वजन कम करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है डाइट का खास ध्यान रखना। यह दो चार दिन का काम नहीं होता है। हेल्दी तरीके से वजन कम करने में आपको महीने या साल भी लग सकते हैं। यही वजन है कि अधिकतर लोग बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और वजन कम किया। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि वजन कम करने के दौरान उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के अलावा डाइट का किस हद तक ध्यान रखा है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खूब पसीना तो बहाते हैं, लेकिन अपनी डाइट का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। वजन कम करने के दौरान कैलोरी वाली चीजों का सेवन छोड़ना पड़ता है या बहुत कम करना होता है। अगर आप ऐसी ही गलती कर रहे हैं, यानी एक तरफ जिम में पसीना बहा रहे हैं और दूसरी तरफ कैलोरी फूड खा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सभी प्रयासों के बावजूद वजन कम नहीं कर पाएंगे। कैलोरी वाली चीजों में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं और वो वजन बढ़ाने का ही काम करते हैं। बीच एक सवाल नया पैदा होता है कि ये कैलोरी वाली चीज होती कौन सी है। हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये कैलोरी वाली चीज में आती है फास्ट फूड फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट एंड एनर्जी ड्रिंक, बेकरी की कोई भी आइटम, अल्कोहल, प्रोसेस किया हुआ मीट जैसे इत्यादि। दोस्तों आपको फिर से एक बार बता दें कि दुनिया के किसी भी जिम में चले जाओ, कभी कम नहीं होगा वजन अगर खानी नहीं छोड़ी ये पांच गंदी चीजें। हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।